नमस्कार दोस्तों, न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर हमारी खास पेशकश बोलते तारे आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। ज्योतिष शास्त्र में राशिफल के माध्यम से विभिन्न काल खंडों के बारे में भविष्यवाणी की जाती है। वही राशिफल ग्रह नक्षत्रों की चाल पर निर्भर होता है। आज के राशिफल में आपको हम बताएंगे आपके राशिफल के बारे में, साथ ही बताएंगे उसके उपाय के बारे में। चले जानते हैं 12 राशियों के बारे में और शुरुआत करेंगे मेष राशि के साथ। आपको अपना अतिरिक्त समय अपने शौक पूरे करने और साथ ही उन कामों को करने में लगाना चाहिए जिन्हें करने में आपको सबसे ज्यादा मजा आता है। आज अगर आपको दूसरे की बात मानकर निवेश करेंगे तो आर्थिक नुकसान तकरीबन पक्का होगा। एक खुशनुमा बढ़िया शाम के लिए आपके घर मेहमानों से भर सकता है। आज ही लंबे वक्त से चले आ रहे झगड़ों को सुलझा लें, क्योंकि हो सकता है कि कल बहुत देर हो जाए। काम में आपको पेशेवर उपलब्धियां और साथ ही फायदा मिलेगा। आज जीवन साथी के साथ समय बिताने के लिए आपके पास पर्याप्त समय होगा। आपके प्रेम को देखकर आज आपके प्रेमी गदगद हो जाएगा। जीवन साथी के खराब स्वास्थ्य की वजह से आपके कामकाज प्रभावित हो सकता है। चलिए अब उपाय बता देती हूँ आपको। आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए घर में तिल के तेल का दीपक अवश्य जलाएं। और आप बात करते हैं वृष राशि के बारे में। आपके हंसी मजाक का लिहाजा किसी दूसरे को आपकी तरह इस क्षमता को विकसित करने के लिए प्रेरित कर सकता है। आपसे उसे यह सबक मिलेगी कि जिंदगी की खुशी बाहरी चीजों में नहीं बल्कि खुद के ही भीतर की है। जमीन या किसी प्रॉपर्टी में निवेश करना आज आपके लिए घातक हो सकता है। जितना हो सके इन चीजों में निवेश करने से बचें। दोस्तों और परिवार के साथ मजेदार समय बीतेगा। अपने प्रिय को समझने की कोशिश करें, नहीं तो मुश्किल में फंस सकते हैं। आपकी अंदरूनी ताकत कार्य क्षेत्र में दिन को बेहतर बनाने में मददगार साबित होगी। चलिए उपाय बता देती हूँ आपको, जो आपके लिए जानना काफी जरूरी है। किसी साधु या अपंग व्यक्ति को चारपाई का दान करने से आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। वृष राशि के बाद बात करते हैं मिथुन राशि की। आज आप ऊर्जा से लबरेज होंगे। जो भी करेंगे उसे आप उससे आधे वक्त में ही कर देंगे, जितना वक्त आप अक्सर लेते हैं। आपके बीते समय में बहुत पैसा खर्च किया है, जिसका खामियाजा आज आपको भुगतना पड़ सकता है। आज आपको पैसे की जरूरत होगी लेकिन वो आपको मिल नहीं पाएगी। घर में और आसपास छोटे मोटे बदलाव घर की सजावट में चार चांद लगा देंगे। प्रेमी एक दूसरे की पारिवारिक भावनाओं को समझेंगे। चलिए अब उपाय बता देती हूँ आपको। चांदी का कड़ा धारण करना आर्थिक स्थिति को बेहतर करेगा। अब बात कर्क राशि की करते हैं। दूसरे के सफलता को सराहकर आज आप उसका लुत्फ ले सकते हैं। आज किसी विपरीत लिंगी की मदद से आपको कारोबार या नौकरी में आर्थिक लाभ होने की संभावना है। परिवार और बच्चों के साथ बिताया समय आपको फिर ऊर्जा से लवरेज कर देगा। अपने साथी के साथ बाहर जाते वक्त ठीक तरह से व्यवहार करें। आज का दिन समझबूझकर कदम उठाने का है, इसलिए तब तक आपके विचार व्यर्थ ना करें जब तक आप उनकी सफलता के लिए आश्वस्त ना हों। आपके द्वारा आज खाली समय में ऐसे काम किए जाएंगे जिनके बारे में आप अक्सर सोचा करते हैं। उपाय पर नजर डाल लेते हैं। रेशमी वस्त्र किसी गरीब कन्या के विवाह में भेंट करने से नौकरी और बिजनेस में तरक्की मिलेगी। कर के बाद बात करते हैं सिंह राशि की। आशावादी बने और उलझे पक्ष को देखें। आपका विश्वास और उम्मीद आपकी इच्छाओं को आशाओं के लिए नए दरवाजे खोलेगा। आज किसी करीबी से आपका झगड़ा हो सकता है और बात कोर्ट कचहरी तक जा सकती है, जिसकी वजह से आपका अच्छा खासा धन खर्च हो सकता है। जिन्हें आप चाहते हैं उनके साथ उपहारों का लेन देन करना अच्छा रहेगा। कुछ लोगों के लिए नया रोमांस ताजगी लाएगा और आपको खुश मिजाज रखेगा। अहम लोगों से बातचीत करते वक्त अपने आँख कान खुले रखिए, हो सकता है आपके हाथ कोई कीमती बात या विचार लग जाए। चलिए अब उपाय बता देती हूँ आपको। रोजाना हरी घास पर नंगे पांव चलने से आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। और अब कन्या राशि की बात करते हैं। सकारात्मक विचारों को ही दिमाग में आने दे। आज आपको अपनी संतान की वजह से आर्थिक लाभ होने की संभावना नजर आ रही है, इससे आपको काफी खुशी होगी। जरूरत के वक्त आपको दोस्तों का सहयोग मिलेगा। रचनात्मक काम में लगे लोगों के लिए सफलता से भरा दिन है। उन्हें वह शोहरत और पहचान मिलेगी जिसकी उन्हें एक अरसे से तलाश थी। खाली वक्त में कोई पुस्तक पढ़ सकते हैं, हालांकि आपके घर के बाकी सदस्य आपकी एकाग्रता को भंग कर सकते हैं। अब उपाय बता देती हूँ आपको। ओम शुक्राय नमः का 11 बार उच्चारण करने से हेल्थ अच्छी रहेगी।
कन्या के बाद अब तुला राशि की बात करते हैं। मुमकिन है कि आपको किसी अंग में दर्द या तनाव से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़े। वे निवेश योजनाएं जो आपको आकर्षित कर रही है उसके बारे में गहराई से जानने की कोशिश करें। कोई भी कदम उठाने से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। आपका रवैया ईमानदार और स्पष्टवादी रखें। लोग आपकी दृढ़ता और क्षमताओं को सराहेंगे। आज जीवन में कई अहम मुद्दों पर आप घर वालों के साथ बैठकर बात कर सकते हैं। आपकी बातें घर वालों को परेशान कर सकती है, लेकिन इन बातों का हल अवश्य निकलेगा। यह शादीशुदा जिंदगी के लिए सबसे खास दिन में से एक है। आपको प्रेम की गहराई का अनुभव करेंगे। चलिए अब उपाय जान लेते हैं। किसी मंदिर की सफाई में वक्त दे, मानसिक शांति मिलेगी। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। किसी पुराने दोस्त से मुलाकात आपका मन खुश कर देगी। जीवन में बुरे दौर में पैसा आपके काम आएगा, इसलिए आज से ही अपने पैसे की बचत करने के बारे में विचार करें, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है। दोस्तों की परेशानी और तनाव के चलते आप अच्छा महसूस नहीं करेंगे। आपके प्रिय से दूर होने के बावजूद आप उनकी मौजूदगी महसूस करेंगे। नए ग्राहकों से बात करने के लिए दिन बेहतरीन है। साथ ही बता दें कि आपके पास समय तो होगा, लेकिन बावजूद इसके भी आप कुछ ऐसा नहीं कर पाएंगे जो आपको संतुष्ट दे। आपको महसूस होगा कि शादी के वक्त किए गए सारे वादे सच्चे हैं। आपका जीवन साथी ही आपका हमदम है। अब उपाय बता देती हूं आपको। आर्थिक स्थिति अच्छी करने के लिए लहसुन या प्याज का गाढ़ बहते जल में प्रभावित करें। वृषभ के बाद बात करेंगे धनु राशि की। अगर आपकी योजना बाहर घूमने फिरने की है तो आपका वक्त हंसी खुशी और सुकून भरा रहेगा। अगर आपका धन से जुड़ा कोई मामला कोर्ट कचहरी में अटका था तो आज उनमें आपको विजय मिल सकती है और आपको धन लाभ हो सकती है। घर को सजाने संवारने के लिए आपके खाली समय का उपयोग करें, इसके लिए आप परिवार से सराहना पाएंगे। दफ्तर की राजनीति हो या फिर कोई विवाद, चीजें आपके पक्ष में झुकी नजर आएगी। आपके बच्चों को आज समय का सदुपयोग करने का सलाह दे सकते हैं। रोजमर्रा की जरूरतें पूरी ना होने से आपके वैवाहिक जीवन में तनाव संभव है। राशिफल के बाद अब उपाय बता देती हूं आपको। गरीब छात्रों की पढ़ाई में सहायता करने से बुध ग्रह प्रसन्न होंगे और प्रेम संबंधी अच्छे रहेंगे। अब मकर राशि की जातकों का दिन कैसा होता है ये जान लेते हैं। सेहत बढ़िया रहेगा। रात के समय आपको धन लाभ होने की पूरी संभावना है, क्योंकि आपके द्वारा दिया गया धन आज आपको वापस मिल सकता है। घरेलू काम थका देने वाला होगा और इसलिए मानसिक तनाव की वजह भी बनी रह सकती है। घर में परेशानियां पैदा हो सकती हैं, लेकिन आपके साथी को छोटी छोटी बातों के लिए ताने देने से बचें। अपने जीवन साथी की वजह से आपको मानसिक अशांति का सामना करना पड़ सकता है। उपाय पर नजर डालते हैं, क्योंकि उपाय जानना आपके लिए काफी जरूरी है। नेत्रविहीन व्यक्तियों की सेवा करना लव लाइफ के लिए अच्छा रहेगा। अब अगली राशि कुंभ राशि की बात करते हैं। आप अपनी भावनाओं पर काबू रखने में दिक्कत महसूस करेंगे। आपका अजीब रवैया लोगों को भ्रमित करेगा और इसलिए आप में झुंझलाहट पैदा करेगा। आपके धन का संचय कैसे करना है यह हुनर आज आप सीख सकते हैं और इस हुनर को सीखकर आप अपना धन बचा सकते हैं। जरूरत के वक्त आपको दोस्त का सहयोग मिलेगा। शाम के लिए कोई खास योजना बनाएं और कोशिश करें कि यह ज्यादा से ज्यादा रोमानी हो। अगर आप अपने काम पर ध्यान दें तो कामयाबी और प्रतिष्ठा आपकी होगी। चलिए अब उपाय बता देती हूँ आपको। काले सफेद तिल आटे में मिलाकर इसकी गोलियां मछलियों को डालने से सेहत अच्छी रहेगी। और अब अंतिम राशि मीन की बात करते हैं। आपका प्रबल आत्मविश्वास और आज के दिन का आसान कामकाज मिलकर आपको आराम के लिए काफी वक्त देंगे। आपके जीवन साथी के साथ धन से जुड़े किसी मामले को लेकर आज आपका झगड़ा हो सकता है, हालांकि आपके शांत स्वभाव से सब कुछ ठीक कर देंगे। आपकी ज्ञान की प्यास आपके नए दोस्त बनाने में मददगार साबित होगी। आपका जीवन साथी आज ऊर्जा और प्रेम से भरपूर है। चलिए उपाय जान लेते हैं अब। नौकरी और बिजनेस में तरक्की के लिए झूठ फरेब और छल कपट से बचें। फिलहाल बोलते तारे में इतना ही। नमस्कार।